हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, विविध प्रश्नावली 10 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया हुआ है कि समान परिमाण वाले हैं। तो चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी का परिमाण समान है, अतः माना, क्या मानेंगे, इनका परिमाण समान है, अतः माना वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी, तीनों का मॉड, मापांक मान लिया किसके बराबर है, के बराबर, क्योंकि इनका मापांक एक अदिश राशि है तो हमने अदिश स्केलर क्वांटिटी के मान लिया। और भी दिया हुआ है कि ये तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो फिर लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी परस्पर लंबवत हैं, तो यहां पर जरा देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों परस्पर लंबवत दिया हुआ है, इसलिए इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनका अदिश गुणनफल या डॉट गुणन जीरो हो जाएगा। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो अब हम मानेंगे, माना वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी तथा वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा वन है, दोनों के बीच का कोण थीटा वन है, तब दोनों का गुणनफल क्या होगा, जरा देखें, ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का कोण हमने थीटा वन माना था, इसलिए यहाँ पर थीटा वन लेंगे। अब देखें, जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह से आएगा, ए डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू, यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, के, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर ए को हमने के माना है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा वन। तो यहाँ पर जरा देखें, ए डॉट ए मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर जीरो प्लस जीरो इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के कॉस थीटा वन। और देखिए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के कॉस थीटा वन। तो यहाँ से जब हम लोग के से के कट भी जाएगा तो, और जब निकालेंगे तो यह आएगा के इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी कॉस थीटा वन, और जब यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा वन तो आएगा के अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड, और इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम मानेंगे कि माना, यहाँ पर जरा देखें, माना
ए प्लस बी प्लस सी तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा टू है, का कोण थीटा टू है, लिखेंगे तब कोण थीटा टू है, अतः ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा टू, दो सरिसों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जरा देखेंगे जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ठीक इसी पैटर्न पर यहाँ पर ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, बी डॉट सी डॉट बी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर बी डॉट बी बचेगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करके दिखा दें देखेंगे इस तरह से आएगा ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी और प्लस सी और मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा टू इस तरह से। तो यहाँ पर जरा देखें ए जीरो हो जाएगा, सी डॉट बी या बी डॉट सी भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये परस्पर लंबवत हैं तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और यहाँ पर मिलेगा बी डॉट बी, बी डॉट बी का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और यहाँ पर एक मॉड ऑफ बी है तो ये इससे भी कट जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा टू। या तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे या फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी की जगह क्या लिखेंगे, के, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी वैल्यू के बराबर है। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर के स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इसकी जगह भी क्या लिख दिया, के कॉस थीटा टू। तो जब यहाँ से के कट जाएगा, जब कॉस थीटा टू निकालेंगे तो आएगा के अपान ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से यहाँ से जब निकालेंगे हम तो देखेंगे कॉस थीटा टू इक्वल टू आएगा के अपान मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी का इसका मॉड, इसको बनाया इक्वेशन टू। अब मानेंगे, माना ए प्लस बी प्लस सी तथा वेक्टर सी के बीच का कोण थीटा थ्री है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा देखें ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर सी सॉरी इनटू मॉड ऑफ सी कॉस थीटा। जब इसका डॉट पढ़ लेंगे तो यहाँ पर जरा देखें ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट सी इक्वल टू यहाँ से जरा देखेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मॉड और यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा थ्री। तो यहाँ से जरा देखें ए डॉट सी बी डॉट सी ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी ए सी और बी सी परस्पर लंबवत है और यहाँ पर यह हो जाएगा मॉड ऑफ सी, तो यहाँ से यह जीरो हो जाएगा, यहाँ से यह जीरो हो जाएगा और इस तरह से यहाँ से देखिए इस तरह से मिलेगा ए जीरो प्लस जीरो और प्लस यहाँ से मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा जरा देखें ए प्लस बी और प्लस वेक्टर सी का मॉड और यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा थ्री। तो मॉड सी दोनों साइड से कैंसिल भी हो जाएगा, एक मॉड सी यहाँ पर बच जाएगा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मॉड सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ये मॉड में रहेगा और कॉस थीटा थ्री। अब मॉड सी की वैल्यू रख दें तो मॉड सी कितना है, यहाँ पर जरा देखें मॉड सी इक्वल टू के है, यहाँ पर इसकी जगह के रख देंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा
a प्लस बी प्लस सी का मॉड कॉस थीटा 3। और जब कॉस थीटा 3 यहाँ से निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से जरा देखें, तो कॉस थीटा 3 इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन मॉड ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ये बना समीकरण 3। अब समीकरण 2-3, समीकरण 1-2 तथा 3 से हम क्या देखते हैं कि तीनों कोण समान है। समीकरण 1-2 तथा 3 से कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 इक्वल टू कॉस थीटा 3। तो दिस इंप्लाइज थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी तथा सी के साथ समान कोण बनाता है या बराबर झुका हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया जा सकता है।